45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर 42% अभी एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसीज वैकेंट हैं। जिस परिवार में, जिस समाज में अगर शिक्षा खत्म हो जाएगी तो वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। बीजेपी आरएसएस ने जो पिछले 2015 के अंदर जो 55% यूजीसी का बजट था उसको रिड्यूस किया और उसके कंटिन्यूसली हर साल उसको कम करते करते एक सीधा अटैक कर रहे हैं वो लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। तो मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कि ये एंटी बहुजन, एंटी एससी एसटी ओबीसी ये सरकार है। द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन दैट सोसाइटी। मैं क्रोनोलॉजी के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने शुरुआत आज एक ड्राफ्ट पेश करके यहां पे किया, इसके पीछे जो इनके एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने कहा कि 42% धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर 42% अभी एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसीज वैकेंट हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 42% अगर वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हैं कि वो वहां पर एससी का एक और एसटी का एक, ये लोग अभी वहां पर कार्यरत हैं, जबकि वहां पर हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो 7000 जो सैंक्शन एससी एसटी ओबीसी की जो पोस्ट हैं उसके अंदर 3007 हमारी वहां पर अभी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम लोग इस ड्राफ्ट का विरोध करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस परिवार में, जिस समाज में अगर शिक्षा खत्म हो जाएगी तो वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को लेकर हम ये मांग करते हैं कि जो बीजेपी आरएसएस ने जो पिछले 2015 के अंदर जो 55% यूजीसी का जो एक उनका बजट था उसको रिड्यूस किया और उसके कंटिन्यूसली हर साल उसको कम करते करते एक सीधा अटैक कर रहे हैं वो लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर, कि जब हमारे पास में बजट ही नहीं होगा तो इनके पास में एक और बहाना आ जाएगा कि हमारे पास में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम नौकरी नहीं दे सकते। और जो हमारी नौकरियां बैकलॉग के अंदर खाली पड़ी हैं, बैकलॉग भरने का काम नहीं कर रहे, उस बैकलॉग के ऊपर ये लोग ये बात करेंगे कि यहां पर नॉट फाउंड सूटेबल, और उसके बाद में वो किसी और को वहां पर नौकरी दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो इनका एंटी एससी एसटी ओबीसी, एंटी बहुजन जो इनकी आइडियोलॉजी है उसके ऊपर इन्होंने जो अपने 2014 के बाद से कभी तो इन्होंने बैकलॉग वैकेंसीज को बढ़ाने का काम किया, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम 2019 में इन्होंने लागू किया, अमेंडमेंट टू एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को इन्होंने उसके अंदर भी उसको डाइल्यूट करने का काम किया, जिसका आप सब लोगों को मालूम है कि 2 अप्रैल को जो जन आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो उन्होंने अपना जो अमेंडमेंट था उसको वापस लिया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने अभी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हैं उसको भी स्क्रैप करने का काम किया। तो मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर कि ये एंटी बहुजन, एंटी एससी एसटी ओबीसी ये सरकार है। मैं डिमांड फिर दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि ये जो यूजीसी का चेयरमैन है इसको तुरंत
टर्मिनेट किया जाए और लिखित रूप में इसको माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से कि आइंदा इस तरीके की गलती या इस तरीके का मजाक हमारे जो हमारा एजुकेटेड क्लास है उसके लिए नहीं करेंगे। जो अभी यूजीसी ने एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट पेश किया डी रिजर्वेशन को लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसको कंडेम करने के लिए हम यहाँ पर उदित राज जी के साथ में उपस्थित हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा था द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन दैट सोसाइटी। और इसके साथ साथ मैं सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद करना चाहूँगा कि समाज के लिए उन्होंने शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण समझा था। और आज ठीक उसके विपरीत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए जो शिक्षा महत्वपूर्ण बताई थी, राइट टू एजुकेशन की बात कही थी, आज उसको धीरे धीरे पूरी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को पूरा ख़त्म करना चाहती है, हमारे उस अधिकार को छीनना चाहती है जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया था। जो यूजीसी के चेयरमैन है, हमारी ये डिमांड भी है कि जो जगदीश कुमार हैं जो यूजीसी के अभी चेयरमैन है, ये कौन हैं, इनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। और ये जो इनकी डिमांड है, जो इनका प्रपोजल है, इसको विड्रॉ करें, लिखित में माफी मांगे पूरे एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज है उससे। जो हमारा शिक्षित वर्ग है, अगर वो शिक्षित वर्ग को इस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं जैसा अभी उल्लेख प्रोफेसर रतन लाल जी का यहाँ पर हमारे साथी बहुत ही सीनियर लीडर उदित राज जी ने किया कि उनको दशकों तक पढ़ाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको अभी रेगुलराइज नहीं किया, ठीक उसी तरीके से प्रोफेसर ऋतु कुमार जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर धरना दे रही हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया, ये डी रिजर्वेशन की बात नहीं करे तो नौकरियों से भी निकाल रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अभी उदित राज जी यहां पर कह रहे थे कि नॉट फाउंड सूटेबल कहकर ये लोग हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी जगह पर जनरल कम्युनिटी के लोगों को वहां पर नौकरी दे देते हैं। और ये सही कहा कि सोच बहुत खतरनाक सोच है जो संविधान से परे है और ये मनुवादी की सोच है। यहाँ पर ये जो चेयरमैन जगदीश कुमार हैं, इनको पहले बीजेपी ने अपॉइंट किया, इनको जेएनयू के अंदर वहाँ पर वाइस वीसी बनाया। और वो बनाने के पीछे सोच थी कि वो इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक डिवाइड करें और वो डिवाइड ऐसा कर दें कि उसका जो महत्व जेएनयू का, जो उसकी सेंक्टिटी थी, उसको सेफ्रेनाइज कर दिया। और आज वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इतनी खटास पैदा हो गई कि वहाँ पर वो आज धर्म की राजनीति जेएनयू के अंदर घुस गई। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं कि जगदीश कुमार को तुरंत टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये बीजेपी का अपॉइंटमेंट नहीं है, ये आरएसएस का स्टूज है जो एक भगवाकरण की विचारधारा को दिमाग में रखकर आज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।